नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये है आपके ओपन यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए। कुछ टाइम पहले ही मैंने आप सभी के लोगों के लिए वीडियो जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो आपके प्रोन्नत किए जाएंगे, यानी कि प्रमोट किए जाएंगे। तो आज यहाँ पे ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है। आज आप डेट देख सकते हैं, 20 जुलाई 2021 की है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट आएगा कि जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वे लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है इसको भी जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा यहाँ पे कोई भी वीडियो डाली जाए तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, अराउंड वहाँ पे 3.3K सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ये पुराना डाटा है, जल्दी ही उसको भी मैं अपडेट कर दूंगा आपके सामने, ठीक है। तो आप सभी लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर वहां से नहीं मिलता है तो आप अपने टेलीग्राम पे स्टडी विद एम सर्च करिए, और वहां पे जैसा हमारा लोगो दिख रहा है इसी लोगो पे आप क्लिक करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैं लेके चलता हूँ सभी लोगों को सीधे ऑफिशियल साइट पे, और आपको सीधे ऑफिशियल दिखाता हूँ नोटिस जो ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया है। तो देखिए, ये है आपका ओपन यूनिवर्सिटी की साइट, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे, विश्वविद्यालय के वर्ष 2020-21 से संबंधित शीतकालीन ग्रीष्मकालीन सत्रों के वार्षिक सेमेस्टर परीक्षाओं के आयोजन प्रोन्नत यानी कि प्रमोट किए जाने के संबंध में। देखिए, सूचना लिखी हुई है यहाँ पे, विश्वविद्यालय के वर्ष 2020-21 से संबंधित शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन सत्रों के वार्षिक सेमेस्टर परीक्षाओं के आयोजन प्रोन्नत किए जाने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अंतर्गत कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर विश्वविद्यालय के वर्ष 2020-21 से संबंधित शीतकालीन सत्र दिसंबर 20, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को छोड़ के, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी चीजें, ये यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, शीतकालीन सत्र 2020 और के सेमेस्टर परीक्षार्थी एवं ग्रीष्मकालीन सत्र जून 2021 से संबंधित वार्षिक सेमेस्टर के अंतिम वर्ष, यानी कि जिनके 2021 में आपके पेपर होने वाले थे, अंतिम वर्ष और सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को छोड़कर, ठीक है, अगर आपका अंतिम वर्ष है या आपका अंतिम सेमेस्टर चल रहा है उनको छोड़कर मध्यवर्ती वर्ष, यानी कि आपका, चाहे आपको फर्स्ट ईयर हो, ठीक है, आपका, या फिर सेकेंड ईयर हो, लेकिन आपका अंतिम वर्ष नहीं होना चाहिए। चाहे आपका डिप्लोमा कोर्स में 2 ही साल का होता है, ठीक है, तो उसमें आपका 2 साल में जो दूसरा सेकेंड ईयर उनका लास्ट ईयर होगा, तो लास्ट ईयर को छोड़ के सभी में क्या है, देखिए, पाठ्यक्रमों से संबंधित मुख्य बैक सुधार परीक्षा परीक्षार्थियों को प्रमोट किया जाता है, ठीक है, यानी कि प्रमोट किया जाता है कि अगर आपका उसमें, आपने इस बार अगर बैक का फॉर्म भरा था या आपका सुधार परीक्षा का फॉर्म भरा था, या फिर आपका जो मुख्य परीक्षा थी, मेन परीक्षा थी, चाहे बीए की हो, चाहे एमए की हो, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे सेकेंड सेमेस्टर हो, तो आप सभी को जो आपका प्रोन्नत है यानी कि प्रमोट कर दिया जाएगा। लिखा है यहाँ पे, अंतिम वर्ष सेमेस्टर और पाठ्यक्रमों की परीक्षा वास्तुनिष्ठ प्रणाली के अंतर्गत बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू पद्धति से संपन्न कराई जाएंगी, जो कुल 2 घंटे की होंगी। यानी अगर आपका, आप एमए में है, चाहे आप किसी भी उसमें अंतिम वर्ष में, अगर आपका जो आप परीक्षा होंगी वो आपकी एमसीक्यू टाइप्स की होंगी, और जो टाइमिंग मिलेगी आपकी 2 घंटे की मिलेगी आपको। देखिए, बीए पाठ्यक्रम में प्रत्येक विषय के दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा हो एक संयुक्त प्रश्न पत्र के रूप में ही समय से होगी। यानी कि देखिए, जैसे कि आपका हिस्ट्री है बीए में, तो हिस्ट्री के 2 पेपर होते हैं, तो उन दोनों पेपर को कंबाइन करके एक ही पेपर बनाया जाएगा, और वो भी पेपर होगा आपका एमसीक्यू टाइप का, ठीक है। अब उसके बाद लिखा है, परीक्षार्थियों को संयुक्त प्रश्न पत्र के प्रत्येक प्रश्न पत्र खंड में कुल 40 प्रश्न हल करने होंगे, और प्रत्येक प्रश्न 2 घंटे का होगा, ठीक है। यानी जो आपका फर्स्ट पेपर है उसके 40 क्वेश्चन और सेकंड पेपर के आपके 40 क्वेश्चन, यानी कि कुल मिलाकर 80 क्वेश्चन और 2 अंक का होगा। दोनों प्रश्न पत्रों को एक ही बुकलेट होगी, जैसे हिंदी विषय है तो, यानी कि आपका जो हिंदी है BA HL 101 और BA HL 102, ये जो आपके 2 सब्जेक्ट होते थे एक ही सब्जेक्ट के, यानी हिंदी के आपके, हिंदी जो विषय है उसके आपके बी जो कोड होता था 101 102, 2 अलग अलग किताबें होती थी, दोनों का प्रश्न पत्र जो होता था पिछले बार अलग अलग होता था, लेकिन इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया गया है। अगला है यहाँ पे, देखिए, चूंकि विषय विज्ञान में तर्क यानी रीजनिंग आदि भी सम्मिलित होती है, तथापि बीएससी पाठ्यक्रम में प्रत्येक विषय के 3 प्रश्न पत्रों की परीक्षा एक संयुक्त प्रश्न पत्र के रूप में ही एक समय में होगी। यानी कि बीएससी में भी आपकी टोटल जो एक सब्जेक्ट है, चाहे उसके कितने भी पेपर होते हैं, सबकी एक ही परीक्षा होगी। परीक्षार्थियों को संयुक्त प्रश्न पत्र के प्रत्येक प्रश्न खंड में कुल 20 प्रश्न हल करने होंगे। यानी कि आपके जो भी खंड हो गया, यानी कि मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आपके 3 पेपर होते थे, तो 3 हो गए, यानी 60 प्रश्न आपके सामने आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 घंटे का होगा, और सॉरी, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, और तीनों प्रश्न पत्र की एक ही बुकलेट होगी। जैसे सामान्य रसायन में है आपका, जैसे आपकी केमिस्ट्री थी, तो इसमें आपके 3
आपके यहाँ पे क्या होते थे, पेपर होते थे, तो तीनों का क्या होगा, आपका एक ही आपका पेपर होगा। तो ये तो थी आज की सूचना आप सभी लोगों के लिए कि कौन कौन से लोग प्रमोट हो चुके हैं। एक बार वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको आपकी जो डाउट है वो फिर से क्लियर कर देता हूँ। आप सभी लोग प्रमोट कर दिए जाओगे लास्ट ईयर, बस लास्ट ईयर, अगर आपका लास्ट ईयर है या लास्ट सेमेस्टर है, ठीक है, अगर आपका लास्ट सेमेस्टर है या लास्ट ईयर है तो आप जो प्रमोट है वो नहीं किए जाओगे, ठीक है। और बाकी जितने भी बच्चे हैं वो सभी प्रमोट कर दिए जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को जो हमारे आज की वीडियो है उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन से प्रमोट होंगे कौन प्रमोट नहीं होंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आप सभी लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, ताकि सबको पता चले कि कौन प्रमोट हो गया है और कौन प्रमोट नहीं हुआ है। तो मिलते हैं आपसे लोगों से फिर से कि नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।